इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को 226 नए मरीज मिलने के बाद यह आंकड़ा 265 पर पहुंच गया है। 2570 संदिग्ध मरीजों की जांच में ये मरीज निकलकर सामने आए हैं। 5 मरीजों की मौत की पुष्टि के बाद अब मौत का आंकड़ा 389 पर पहुंच गया है। जिन मरीजों की मौत हुई है उनमें से 3 MTH अस्पताल में भर्ती थे। शनिवार रात जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 210,428 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए जा चुके हैं और इनमें से 12,720 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और अस्पताल से 8,847 मरीज अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मरीजों के इलाज के लिए शहर के 2 निजी अस्पतालों की समय अवधि भी बढ़ाई गई है। वहीं 265 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने को बढ़ाने के लिए निर्देश कलेक्टर ने दे दिए हैं। देखिए, आज की जो हमने बुलेटिन जारी किया उसमें 2,577 सैंपल टेस्ट के लिए लगाए गए थे, जिसमें से 265 सैंपल नेगेटिव हैं, साथ ही 265 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। वहीं 2,279 सैंपल ऐसे रहे जो नेगेटिव है। टोटल डेथ की मैं बात करता हूं तो अभी 389 डेथ अभी इंदौर में हो चुके हैं। देखिए, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और अरविंदा मेडिकल कॉलेज दोनों को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स के रूप में इंदौर में उनकी सेवाएं ली जा रही थी और आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका MOU अभी वापस 31 अगस्त को जो खत्म हो रहा था उसको बढ़ा करके 30 सितंबर तक के अभी उनको एक्सटेंड किया।